खबर सीहोर से है, जहां लाटकुई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लाटकुई स्वास्थ्य केंद्र में मात्र एक सरकारी डॉक्टर है, लेकिन झोला छाप 12 डॉक्टर हैं, जिनके पास ना तो कोई डिग्री है ना ही कोई डिप्लोमा, लेकिन ग्रामीणों को मजबूरन इन लोगों के पास इलाज करवाने जाना पड़ता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर के भरोसे 40 गांव के मरीज हैं। 2 करोड़ से अधिक की लागत से बना सामुदायिक भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। हर कमरे में मरीजों के ऊपर पानी टपकता है, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त सिस्टम कमीशनखोरी के चलते मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर पूरे रसूलगंज ब्लॉक की बात की जाए तो 101 ग्राम पंचायत है, और इन सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामों में 400 से अधिक फर्जी झोला छाप डॉक्टर इलाज के नाम पर एक और ग्रामीणों की जान से तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, साथ ही मोटी कमाई भी कर रहे हैं। फर्जी डॉक्टरों के इलाज से कई लोगों की जान भी चली गई, लेकिन फिर भी प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जैसा कि आपके द्वारा मुझे संज्ञान में लाया गया है और मुझे फोटो भी दिखाया गया है, तो वास्तव में गंभीर विषय है। पानी में कीड़े भी दिख रहे हैं मेरे को, और आपने बताया कि उसी पानी से खाना ही बनाया जा रहा है, तो संबंधित जो वहाँ के एमओ है, प्रभारी डॉक्टर है, उसको मैंने कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। आवाज तो जब बिल्डिंग बन रही थी तभी हम लोगों ने भी उठाई, लोगों ने भी करा, लेकिन उसके जो बिल्डिंग के ठेकेदार थे वो सत्तारूढ़ दल के नेता थे, इसलिए किसी ने कोई बात नहीं सुनी और उन्होंने लीपापोती करी और बड़ा घटिया उसका निर्माण हुआ बिल्डिंग का। अब तो उनको सफाई करवाना चाहिए, कर्मचारी हैं ऑलरेडी वहाँ, डेली वेसेज वाले बहुत कर्मचारी हैं, तो उनको उस काम में लगाना चाहिए। अब लगाए कौन, वो डॉक्टर साहब सुबह आके हॉस्पिटल में बैठ जाते हैं, शाम को चले जाते हैं।